आज हमारे घर पे चना मसाला बन रहा है, जिसके लिए हम प्याज काट रहे हैं। आज हम लोग रेस्टोरेंट टाइप चना मसाला बनाने जा रहे हैं। ये मैंने चना भिगो के रखा था 12 घंटा पहले। चना अच्छे से फूल गई है, देखिए। उसके बाद ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ओनियन, और ये मसाला, ये खड़ा मसाला लिया है हमने। तेजपत्ता लिया है, काली मिर्च लिया है, लाल मिर्च लिया है, दालचीनी लिया है, लौंग लिया है, और ये हींग लिया है। तो स्टार्ट करते हैं, अब गैस चालू करते हैं। कुकर को गर्म करते हैं थोड़ी देर, उसके बाद उसमें सरसों का तेल डालेंगे। और उसके बाद वेट करेंगे तेल गर्म हो जाए। तेल गर्म हो गया है, अब इसमें हम लोग सबसे पहले हींग डालेंगे। हींग डालने के बाद हमने मिर्चा डाले हैं, उसके बाद तेजपत्ता डाला, लौंग डाला, काली मिर्च डाला, उसके बाद दालचीनी, सारे खड़ा मसाला डाल दिए हमने, ओनियन भी डाल दिया हमने। अब इसको थोड़ी देर फ्राई करेंगे। ओनियन को ऐसे लाल कर लेना है, 2-3 मिनट रखेंगे तो ये लाल हो जाएगा। अब हम लोग इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें। इसको भी थोड़ी देर फ्राई करेंगे, मसाला मिलाएंगे अच्छे से, इसको पकाएंगे। उसके बाद टमाटर डालेंगे और उसको मिला देंगे। टमाटर एकदम बारीक काटना है। जिससे ग्रेवी अच्छी बनेगी। तो फिर इसको बार बार घुमाते रहना है कि जले नहीं नीचे से, और मीडियम गैस को मीडियम कर देना है। अब हम लोग मसाला डालेंगे। हल्दी डाल दी है हमने, उसके बाद मिर्चा डालेंगे 1 चम्मच, एक चम्मच नमक डाल रहे हैं, ये गरम मसाला है, और ये धनिया, 1 चम्मच धनिया भी डालेंगे, जीरा पाउडर भी 1 चम्मच डालेंगे, इससे स्वाद अच्छा आता है। देखिए इसे घुमाते रहना है, नीचे से जले नहीं, और मीडियम आंच पे रखना है। मसाला हो गया तैयार, देखिए तेल ऊपर आ रहा है,
तो हम लोग इसमें चना डाल देंगे। चना हमने दो बार ऑलरेडी धो चुके हैं, चना डाल देते हैं। देखिए हमने चना मिला दिया मसाले में, देखने में तो अच्छी लग रही है, सुगंध भी अच्छी आ रही है। और मीडियम आंच कर दिया हमने, जले नहीं मसाला। हमको इसे अच्छे से पकाना है, वो भी धीमी आंच पे, जब तक तेल ऊपर तक ना हो जाए। हमने इसको अच्छे से पकाया है, अब तेल ऊपर आ गई है तो अब इसमें हम लोग पानी डाल देंगे। पानी डाल दी है और इसको फिर मिला देंगे। और नमक चेक कर लेंगे। हमने कुकर लगा दिया है, सीटी लग रही है। चना मसाला बन गया है, रेस्टोरेंट टाइप लग रहा है एकदम से। अब मैं इसको खाऊंगा, आप भी बनाइए और खाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।